जी मैम, ये वीडियो मैं आप सबके लिए बना रही हूँ। ये दिस इज़ द डेमो वीडियो फॉर आर वेबसाइट एग्जाम डॉट लर्न विद सुधेरास डॉट कॉम। यहाँ पे आपको वर्कशीट्स कैसे बनानी है, कैसे आप अपनी वर्कशीट्स मैनेज कर सकते हो, अटेंडेंस मार्क कर सकते हो अपने बच्चों की, और एग्ज़ाम्स आप देख सकते हो, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका डैशबोर्ड होगा जब आप इस वेबसाइट में लॉग इन करोगे। तो डैशबोर्ड में यहाँ पे ये जो बुक्स का कॉलम है, इसमें अगर आपको कोई भी बुक्स अपलोड करनी है आप हमें भेज सकते हैं, या फिर हमें बोल सकते हैं कि हमें ये वाली बुक्स चाहिए। अगर हमें भी हमारे पास PDF होगी तो हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे, तो आपके सब्जेक्ट वाइज जो भी आपकी बुक होगी वो आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, जो भी आपको करना है आप उस बुक में से यहाँ पे उस बुक को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड ये जो कॉलम है मार्क अटेंडेंस का, यहाँ पे भी आपके बच्चे जो असाइन होंगे आपके अंडर, जिनके क्लासेस आप लेते हो, उनकी आप डेट वाइज अटेंडेंस मार्क कर सकते हो। यहाँ पे जो भी डेट आप मतलब देखना चाहते हो देख भी सकते हो, और उसकी अटेंडेंस मार्क भी कर सकते हो। जैसे मैंने अभी 14th of December किया है, आपको ये डेट सेलेक्ट करके सबमिट करना है और चेक करना है, मेक श्योर कि यहाँ पे वो डेट दिख रही है, तभी आप उस डेट की अटेंडेंस मार्क करो। एंड व्यू अटेंडेंस के लिए यहाँ पे एक बटन है, इसको क्लिक कर दोगे तो व्यू अटेंडेंस भी आप कर सकते हो किसी भी डेट का या कभी का भी। ठीक है, और उसके बाद आता है कि हमें वर्कशीट्स या क्वेश्चंस कैसे ऐड करने हैं। तो यहाँ पे ये जो नेक्स्ट कॉलम है व्यू एग्जाम्स का, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम क्रिएट करना है। व्यू एग्ज़ाम में आप जाओगे तो यहाँ पे एक बटन है ऐड एग्ज़ाम, तो सबसे पहले आपको एक एग्ज़ाम क्रिएट करना है। ठीक है, तो जब आप ऐड एग्ज़ाम पे जाओगे यहाँ पे एग्ज़ाम नेम लिखना है, जैसे कोई भी हम टॉपिक ले लेते हैं, सपोज़ आज का टॉपिक हम ले लेते हैं, अगर मैं मैथ्स का ही बना रही हूँ या कुछ भी है, तो फ्रैक्शंस वर्ड प्रॉब्लम्स लिख लिया मैंने। ठीक है, अब साथ के साथ आप यहाँ पे जो भी आपका टॉपिक है उसका नाम और ग्रेड लिख देना, ग्रेड मेंशन करना, ये आपकी वर्कशीट पे सबसे ऊपर टॉप पे यही दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक कोड क्रिएट करना है। वो कोड मैं जो अपने आप अपनी वर्कशीट्स के लिए कर रही हूँ, दैट इज़ मैं हर एक एग्ज़ाम नेम में से हर एक फर्स्ट लेटर लेके और लास्ट में G7 मतलब जिस भी ग्रेड का है वो लिख देते हैं, जैसे F और W और P, ये हो गया फ्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम, फिर G कैपिटल और 7 ग्रेड 7। ठीक है, और इसके बाद एग्ज़ाम ड्यूरेशन, आपको जितना भी टाइम लगता है कि आपके बच्चे, आप जितने भी क्वेश्चंस डाल रहे हो कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं वो टाइम डाल दो, इन मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, जितना भी आपको देना है। ठीक है, ये मतलब एग्ज़ाम वो होगा, ये हम ऑनलाइन भी उनसे सॉल्व करवा सकते हैं, हम इसका PDF भी निकाल के उनको वर्कशीट भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि आप कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस एक वर्कशीट में डाल रहे हो। सपोज़ मैंने 10 क्वेश्चंस डाले हैं, तो एग्ज़ाम स्टेटस आपको हमेशा अनेबल करना है। उसके बाद लेवल में जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लो, यहाँ से मैंने मैथ सेलेक्ट किया है। तो उसके बाद टाइप, मतलब आप MCQs दे रहे हो, मतलब MCQs मतलब जो अगर आप ऑप्शंस दे रहे हो उनको एक सिलेक्ट करना है, तो ये सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन सेम ही होने चाहिए, या तो MCQs होंगे या फिर शॉर्ट होंगे। ठीक है, शॉर्ट मतलब जिसमें वो कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है, आंसर टाइप करना होगा, तो मैं शॉर्ट बना रही हूँ। उसके बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट होने के बाद फिर से आप यहाँ व्यू एग्ज़ाम में जाओगे तो आपका एग्ज़ाम यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, आप इसको एडिट कर सकते हो, मतलब अगर इसमें कुछ भी चेंज करना है तो आप वो एडिट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे जब हम इसमें क्वेश्चंस डाल देंगे यहाँ से वो प्रिंट हो जाएगा जो भी हमने क्वेश्चंस डाले होंगे उसमें। और कोड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोड के अकॉर्डिंग ही हमारे जो वर्कशीट में क्वेश्चंस है ना वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, ये एग्जाम बनाने के बाद हमें यहाँ पे ऐड क्वेश्चन में जाना है। ऐड क्वेश्चन में यहाँ पे आपको अपना क्वेश्चन टाइप करना है। ठीक है, क्वेश्चन टाइप में सपोज मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, या आप कहीं से भी कोई PDF से कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हो और सिंपली टाइप भी कर सकते हो। इसमें एक चीज़ और बतानी है मुझे, जैसे ये क्वेश्चन एक ही लाइन में आ रहा है, हमें चाहिए कि ये फर्स्ट लाइन मेरी एक लाइन में आए, जो नेक्स्ट लाइन है मुझे नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होनी चाहिए, उसी में कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप एक ये ब्रेक कोड लगाओगे, ये वाली
ये आप कॉपी कर लेना, ये वाला एक कोड है HTML का, इस अगर हम ये लगा देंगे ना तो इससे जो नेक्स्ट लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में ही जाएगी, नेक्स्ट शो पे जाएगी, ठीक है। मैं आपको दिखा भी दूंगी लास्ट में कि कैसा शो होगा। तो ये मैंने एक ब्रेक कोड लगाया, आपको जहाँ भी ब्रेक कोड लगाना है, सपोज मुझे नेक्स्ट लाइन में भी लगाना है तो मैंने यहाँ भी वो ब्रेक कोड लगा दिया, ठीक है, ये कोड है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके MCQs हैं आप यहाँ पे ऑप्शंस डाल दो, अगर आपका शॉर्ट आंसर टाइप है तब भी आप करेक्ट आंसर तो दोगे ही और MCQs में भी करेक्ट आंसर यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैंने कुछ भी मतलब मेरे क्वेश्चन का जो भी आंसर है सपोज मैंने सी मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद एग्जाम कोड जो आपने बनाया है वो सिलेक्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका क्वेश्चन नहीं आएगा वर्कशीट में, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आपके क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इमेज आपको डालनी है तो वो फोटो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो। सपोज मेरे पास ये एक इमेज पड़ी है, मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, ठीक है। तो ये आप कभी भी इसको चेंज भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, उसके बाद इसको सबमिट कर दो। तो ये एक क्वेश्चन आपका बन गया। इसी तरह से आपको फिर से जितने क्वेश्चन डालने यहाँ पे क्वेश्चन बनाते जाओ, कोड सिलेक्ट करते जाओ एंड सबमिट करते जाना। सबमिट के बाद ही आपका क्वेश्चन है जो वहाँ जाएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में एडिशन मतलब एडिट करना है कोई क्वेश्चन, तो ऐसे व्यू क्वेश्चंस पे जाके आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस दिखेंगे। अगर आपको इसको एडिट करना है तो इस बटन से आप एडिट कर सकते हैं कुछ भी, और जो भी आपको चेंजेस करनी है वो इसमें कर लो। यहाँ पे सब शो हो रहा है कि इसमें एक पिक्चर भी ऐड है और ये आंसर है, ये जो क्वेश्चन है इसको हम सबमिट कर देते हैं। फिर सबमिट करने के बाद वो क्वेश्चन सबमिट होने के बाद अगर फिर से आपको कोई क्वेश्चन देखना है तो वो फिर से आप व्यू क्वेश्चंस में जा सकते हो, और अगर आपको वो PDF चाहिए तो आप व्यू एग्जाम्स में जाइए। व्यू एग्जाम में अब इसका प्रिंट निकाल लो, ये आपको PDF मिल गया, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे मैंने ब्रेक कोड लगाया था, उसके बाद मैंने इस लाइन के बाद ब्रेक कोड लगाया था तो वो कंटिन्यू नहीं हुआ, वो नेक्स्ट लाइन में आया और ये पिक्चर मैंने अपलोड की थी एंड दिस इज द आंसर, मीन्स आंसर का स्पेस है। अगर बच्चे को यहीं लिखना है तो वो इसमें भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्रिंट आउट दे दो, वो वर्कशीट इस तरह से इस फॉर्मेट में आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, अगर फिर भी कुछ चीज़ क्लियर नहीं हुई, यू कैन मैसेज मी, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, ओके। अब होपफुली हम नेक्स्ट वर्कशीट्स और नेक्स्ट आगे जो भी टेस्ट होंगे हम इसी में बना के इसी के प्रिंटआउट्स देंगे और इसी को आगे PDF में व्हाट्सएप कर देंगे, या फिर ऑनलाइन भी अगर आपको कराना है तो ऑनलाइन करा देना, ठीक है जी, ओके।